जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। मार्च 2020 में इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद भी शामिल हैं जिनकी भूमिका सलाहकार के तौर पर है। इसी साल मार्च में आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया था। अब परिसीमन आयोग का कार्यकाल साल 2022 में पूरा होगा और तब तक जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इस बार परिसीमन की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 11 सीटें आरक्षित की जाएंगी। अभी जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसके अलावा परिसीमन प्रक्रिया में पीओके के लिए खाली 24 सीटों पर गौर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिसीमन को लेकर सियासी बयानबाजियों को अलग रख दे तो जानकारों का मानना है कि अगर पारदर्शी तरीके से परिसीमन हुआ तो 7 सीटों में से अधिकतर जम्मू के खाते में जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके पीछे तर्क यह है कि सीट बढ़ाने के लिए आबादी के साथ साथ भूभाग क्षेत्र की प्रकृति जैसे पैमानों को भी आधार बनाया जाएगा। आज परिसीमन आयोग ने भी ये बात साफ कर दी है। अब आपको जम्मू कश्मीर में परिसीमन के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हम देते हैं। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन तो पूरे देश के साथ ही होता रहा है लेकिन विधानसभा सीटों का परिसीमन अलग से होता रहा था। इसी वजह ये थी कि आर्टिकल 370 लागू होने के चलते राज्य की विधानसभा का परिसीमन राज्य के संविधान के तहत तय होता था जबकि लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए भारतीय संविधान ही लागू होता था। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से अब तक 3 बार 1963, 1973 और 1995 में ही विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ। आखिरी बार 1995 में जब परिसीमन हुआ तब 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था क्योंकि राज्य में 1991 में जनगणना ही नहीं हुई थी। फिर 2001 की जनगणना के बाद जम्मू कश्मीर में कोई परिसीमन नहीं हुआ। यहां तक कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक की बात थी और ये सब हुआ था धारा 370 को औजार बनाकर जिसे खत्म हुए 2 वर्ष अब बीत चुके हैं और अब करीब 26 वर्षों बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई है जिसके बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा और विधानसभा चुनाव भी होंगे। बस धारा 370 नहीं लौटेगा। 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है लेकिन परिसीमन सिर्फ राजनीतिक दलों की राय से नहीं होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के सामाजिक संगठनों से लेकर आम लोगों तक की राय और सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। परिसीमन पर नेताओं की राय के बाद आपको जम्मू के लोगों की राय भी सुनवाते हैं। आप क्या समझते हैं, एक जम्मू के निवासी होने के नाते क्या चाहते हैं आप? ये जो डिलिमिनेशन का बड़ी देर से शोर था कि डिलिमिनेशन होनी चाहिए जिससे जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए और अब अगर सरकार इस काम को कर रही है तो इसको सही ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कि पुराने सेंसर के तहत करना चाहिए जो हुआ था, जो नया इस पर जो स्थिति है उसके साफ होना चाहिए और एक बार जब डिलिमिटेशन होने लगी है उसको सही ढंग से होना चाहिए। जिसकी ज़्यादा सीटें जहाँ जहाँ सीटें बढ़ती हैं उधर उधर सीटें बढ़नी चाहिए। अब जम्मू प्रोविंस में देखिए कितना इसका एरिया है मगर इधर सीटें कम हैं मगर इन सीटों को बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी होगा वो तो बेटरमेंट के लिए ही होगा J&K की, बाकी जम्मू को कुछ ध्यान देना चाहिए यहाँ के लिए, जम्मू के लिए कि जो वही चीज़ करनी चाहिए जो जम्मू रीजन के लिए बेनिफिशियल हो क्योंकि काफ़ी सालों से निगलेक्टेड रहा है ये रीजन, तो इस वजह से तो कुछ जो भी डिसीजन हो या शायद अफवाह ही होगी होना तो ये चाहिए कि जम्मू रीजन की तरफ थोड़ा तवज्जो देने वाला ही डिसीजन आना चाहिए जिसमें हमें ही बेनिफिट हो क्योंकि कश्मीर को बहुत देर से मतलब काफी बेनिफिट्स मिलते रहे जो जम्मू को नहीं मिले। जम्मू संभाग के लोगों को 2011 के सेंसस पे के आधार पे डिलिमिटेशन हो ये मंजूर नहीं है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आधिकारिक पोजीशन, इनफैक्ट बीजेपी की भी आधिकारिक पोजीशन यही है कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू था, फज्ड सेंसस था, टेबल सेंसस था जिसमें जम्मू की पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कम करके दिखाया गया था। इसीलिए केंद्र सरकार से यही गुहार जम्मू संभाग के लोग लगा रहे हैं कि आप रीऑर्गेनाइजेशन में एक्ट में अमेंडमेंट करके 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाइए, वो एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए एकजुट जम्मू ने भी डिलिमिटेशन कमीशन का बहिष्कार किया है, हमने इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर का और कोई समाधान नहीं है जब तक कि आप
कश्मीरी पंडितों के लिए, 7 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी जिसे हम पनून कश्मीर बोलते हैं वो बनाएंगे, जिसे हम होमलैंड भी कहते हैं। और जम्मू जो संभाग है जिसकी आपने बात की, और जम्मू संभाग का अपना लॉजिस्टिक्स है, उनके अपने तर्क हैं। जम्मू राज्य की मांग जो हो रही है वो सभी एंगल से, हर तर्क से जायज़ है, हम उनका सम्मान करते हैं।